जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें हमारा चल रहा है अभी मिसलेनियस, और एक्सरसाइज है अभी तीसरा एक्सरसाइज, राष्ट्रीय दिवस मीन्स नेशनल डे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो अभी इंपॉर्टेंट डे पढ़ूंगा, पर करंट के दृष्टिकोण से आपको क्या करना होगा, जो इंपॉर्टेंट डे होता है उसका थीम भी याद करना होगा। तो उसके लिए मैं करंट का अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आपका क्या होगा थीम कवर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम 28 फरवरी को। 28 फरवरी को सीवी रमन का जन्मदिन, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है कि उस दिन इन्होंने खोज किया था, ठीक ना, रमन प्रभाव का खोज किया था सीवी रमन, इसीलिए हम 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद रखिएगा, वो पहले साइंटिस्ट थे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था साइंस के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में, सीवी रमन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाते हैं हम खेल दिवस, ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मनाते हैं हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं हम 24 फरवरी को, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है कि भारत का जो नेशनल लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, सॉरी राष्ट्र नहीं लिखा है, राज्य भाषा लिखा गया है, हिंदी होगा, ठीक ना। आर्टिकल 343 याद करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ये 14 है, मतलब 7 मल्टीप्लाई 2, और 7 का क्यू होता है 343, हालांकि ये थोड़ा हो सकता है आपको हार्ड भी लगे। तो ये अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रभाषा से संबंधित है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को, सॉरी 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाते हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मनाते हैं चिकित्सक दिवस। कमेंट बॉक्स में बताना है 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाते हैं हम 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर। आंसर क्या बनेगा? ए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को मनाते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस, विधि मतलब हुआ संविधान, ठीक ना, तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? वो होता है 26 नवंबर, 26 नवंबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि डे। और 26 जनवरी को मनाते हैं हम गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायबिटीज मनाते हैं हम 14 नवंबर को, 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन महात्मा गांधी का देहांत हुआ था उस दिन मनाते हैं हम शहीद दिवस, मीन्स 30 जनवरी को। साथ ही 30 जनवरी को हम कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं, कुष्ठ निवारण डे, पर वो क्या होता है वर्ल्ड लेवल का होता है, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, ये होता है 31 जनवरी को। अगर नेशनल शहीद दिवस अगर पूछे तो वो होता है आपका 30 जनवरी को। कुष्ठ के लिए लिप्रेसी का भी प्रयोग किया जाएगा, तो हो सकता है तो सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है 15 सितंबर, 15 सितंबर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसमें सारे नेशनल हैं, इंटरनेशनल मीन्स जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था वो इसे पहले वाले वीडियो में कवर हो चुका है। राष्ट्रीय अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 20 मार्च को, 20 मार्च को। आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को, 21 मई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को।
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और कंज्यूमर राइट डे जो वर्ल्ड का था वो मनाते थे हम 15 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई होता है एंटी टोबैको डे, मतलब धूम्रपान निषेध दिवस ऐसा कह सकते हैं, धूम्रपान निषेध दिवस। 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस का, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस मनाते हैं हम सरोजनी नायडू, ये पहली गवर्नर थी महिला उत्तर प्रदेश की, और साथ ही पहली महिला थी जो नेशनल कांग्रेस की मेंबर मतलब अध्यक्ष बनी थी, तो उन्हीं के जन्मदिवस पर मनाते हैं महिला दिवस। अगर इंटरनेशनल महिला डे पूछ ले तब होगा 8 मार्च को, और नेशनल पूछ ले तब 13 फरवरी, याद रखना इस दोनों को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मीन्स वोटर्स डे हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, 25 जनवरी, 26 जनवरी से एक दिन पहले मनाते हैं हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मीन्स नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये मनाते हैं हम 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्रता दिवस, ये तो सॉरी मैंने भी गलती कर लिया। 15 अगस्त होता है गणतंत्रता दिवस, थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते हैं, थल सेना दिवस जो होता है लैंड आर्मी मिनली आर्मी डे, ये मनाते हैं 15 जनवरी को डी, और गणतंत्रता दिवस तो मनाते हैं हम कब? 15 अगस्त को। और श्रम दिवस मतलब लेबर डे 1 मई को मनाते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? 1919 में, ठीक है ना, 1919, हेडक्वार्टर जेनेवा है, वर्तमान में इसके चेयरमैन गेर एडर है, पर चेंज हो जाएगा क्या पता आपके एग्जाम तक, तो क्योंकि 2-3 साल हो गया है उनका, तो अपडेट रहिएगा। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस, आंसर क्या बनेगा? ए। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को मिलनी शहीद दिवस किनके देहांत पे हम लोग मनाते हैं? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हुए थे, आंसर क्या बनेगा? सी। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, या शिक्षक शिक्षा दिवस हम यहाँ पे मनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और कांग्रेस के सबसे कम उम्र के यही मेंबर भी थे। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को, 24 जनवरी, आंसर क्या बनेगा? सी। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर, बाल दिवस, आंसर क्या बनेगा? सी। निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाते हैं एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन, आंसर क्या बनेगा? सी। निम्नलिखित में से, अच्छा ये नहीं, अब तो बहुत सारा हो गया, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, बस याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? इनमें से कौन सा 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे होता है वो राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, हालांकि इस दिन हम क्या मनाते हैं अब? गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का भी क्या हुआ था उस दिन, जन्म हुआ था, तो उस दिन हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। 2 अक्टूबर को पता ही है गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस, तो राष्ट्रीय अवकाश होता है इन तीनों दिन, पर 25 दिसंबर को नहीं होता है। महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन तो होता ही है, और साथ ही किनका होता है? लाल बहादुर शास्त्री का, लाल बहादुर शास्त्री, ये पहले प्रधानमंत्री थे, हालांकि एकमात्र हैं अभी तक जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गया था। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाते हैं, अगर याद हो तो 12 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल युवा डे, ये थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। कमेंट बॉक्स में बताना है आज का दूसरा प्रश्न का आंसर आप लोगों को, कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? अगर और पता हो
तो बताइएगा कि इनका नाम, जो प्रारंभिक नाम था, मीन्स विवेकानंद, इनका नाम किनके द्वारा रखा गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बताना है आपको। निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर्स डे किनके जन्म पर मनाते हैं हम लोग? विद्यानंद राय, विद्यानंद राय के जन्मदिवस पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा इसमें से गलत है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो शहीद दिवस मनाते हैं हम 30 जनवरी को, ये बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी का देहांत हुआ था उस दिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये गलत है, 11 जुलाई गलत है। आंसर क्या बनेगा यहाँ आपका? डी बनेगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मीन्स इसमें से एक क्या है सुमेलित नहीं है जो आपको टिक करना होगा? तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई अभी पढ़े थे, हिंदी दिवस भी पढ़े अभी 14 सितंबर, 14 सितंबर। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस यहाँ पे गलत है, 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल लिपरेसी डे, मीन्स कुष्ठ निवारण दिवस, और साथ ही मीन्स शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी का देहांत हुआ था। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं हम 12 नवंबर को, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिवस दिया गया और तिथि दिया गया, ये आपको सुमेलित करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 19 नवंबर, यह भी पढ़े थे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय खेल दिवस 12 अगस्त, और राष्ट्रीय एकता दिवस 12 नवंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे सूची दो दिया गया है, इसमें भी दिवस और तिथि है सुमेलित करना है। शिक्षक दिवस मनाते हैं हम 5 सितंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, और किसान दिवस 23 दिसंबर को। 26 जुलाई को मनाया जाता है, 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। आंसर क्या बनेगा? डी। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सी वी रमन के रमन इम्पैक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है कि रमन इम्पैक्ट का खोज इनके द्वारा किया गया था, इस तिथि को 28 फरवरी को सी वी रमन ने रमन इफेक्ट का खोज किया था। पर बहुत सारे बुक में क्या पढ़ोगे कि सी वी रमन का जन्म हुआ था उस दिन, लेकिन आपको ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि क्यों मनाया जाता है, बस आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं। तो आप 28 फरवरी पे टिक करना, और ये सी वी रमन से रिलेटेड है, ठीक ना, इस पे टिक करना बस। और ये पहले साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, भारतीय मतलब 1923 ईस्वी में मिला था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ का स्थापना कब हुआ था? 1901 से दिया जाता है, 1901 से अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति में से दिया जाता है, नॉर्वे से, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले से, ये सब आपको पता ही होगा। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव में, रमन प्रभाव। आंसर क्या बनेगा? ए। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस मनाते हैं हम 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? तो ध्यानचंद, ये हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है, इन्हें हिटलर अपने देश की तरफ से खेलने के लिए काफ़ी मीन्स पोस्ट पैसा के लिए कहा गया था, फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए खेला, तो ध्यानचंद का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं हम 12 नवंबर को, 12 नवंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मीन्स एंटी टोबैको डे 31 मई? इसके लिए एक ट्रिक है, हालांकि एक स्टूडेंट ने ही बताया था कि मतलब ऐसा होता है ना, कोई भी अगर गलत काम का आपको आदत हो तो कहते हो ना कि महीने के अंतिम में छोड़ देंगे, तो अंतिम और मे मतलब हो गया आपका मई, ठीक ना, और अंतिम मतलब क्या हुआ, मई का अंतिम डेट कौन सा होता है? 31 मई। तो 31 मई मतलब महीने के अंतिम में मैं तम्बाकू छोड़ दूंगा, तो अंतिम में मतलब मई मतलब महीना हो गया और 31 मतलब अंतिम हो गया, तो 31 मई, इसको नहीं भूलोगे अगर ऐसे याद रखोगे तो। प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस होता है था जिस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए हुए थे, तो उस दिन हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ये होता है आपका 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। इसी को NRI डे कहा जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक ना। तो कैसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं? बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाते हैं 14 नवंबर, जिस दिन हम लोग बाल दिवस मनाते हैं उसी दिन बाल अधिकार दिवस भी मनाते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया है? सेवा दिवस मनाते हैं हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर। लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को मनाते हैं लोक सेवा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में कौन सा स्टेट मनाता है? तो वो है आपका बिहार। आंसर क्या बनेगा? डी। तो ये आपका नेशनल डे कंप्लीट हो गया। आगे अब प्रसिद्ध पुस्तक दिया गया, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला और एग्जाम में अगर आपको हेल्प करे तो जरूर लाइक करना, ना पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।